इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। नए साल पर दिल्ली के कंजवाला में हुई दर्दनाक घटना के बाद यूपी के बांदा जिले में ऐसी ही रूह का अपने घटना सामने आई है। गिट्टी से भरे डंपर ने स्कूटी सवार महिला को कुचल डाला। खबर है कि कंजावाला हादसे की तरह ही यहाँ भी महिला की स्कूटी डंपर के साथ करीब 3.5 किलोमीटर तक घसीटते हुए आगे चली गई। इस दर्दनाक हादसे में महिला का शव, स्कूटी और डंपर बुरी तरह जल गए। बता दें, हादसे का वीडियो डरा देने वाला है। घटना बुधवार शाम करीब 7:45 बजे शहर मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर मवई बाईपास के पास हुई है। बता दें, मृतका पुष्पा देवी कृषि विश्वविद्यालय में टीचर थी। वो देर शाम सब्जी लेकर स्कूटी से घर लौट रही थी, तभी उन्हें डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी। इस दौरान महिला की स्कूटी डंपर में फंस गई, जिसे चालक करीब 3.5 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। वहीं हादसे के बाद गुस्साए छात्रों ने बांदा चिल्ला मार्ग पर जाम लगाकर कई वाहनों के साथ तोड़फोड़ की। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर जाम खुलवा लिया। एक महिला जिनका नाम पुष्पा देवी है, ये किसी विश्वविद्यालय में नौकरी करती थी। इनको इनके पति की मृत्यु के उपरांत मेडिकल कॉलेज में नौकरी मिली हुई थी। ये लखनऊ की रहने वाली हैं। आज ये आ रही थी, एक सूचना मिली कि डंपर से एक्सीडेंट हुआ है इनकी स्कूटी का। तत्काल स्थानीय पुलिस बल मौके पर सभी अधिकारी पहुँचे। आस पास की थानों की फोर्स बुला ली गई, फायर टेंडर की गाड़ी भी आ गई। पता चला कि इनकी गाड़ी इस डंपर में फंस गई थी, जिसके फ्रिक्शन कारण आग लग गई थी और जिस कारण की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, इसके अलावा अभियोग पंजीकृत करते हुए कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बता दें, ये घटना तब घटी है जब कंजेवाला केस की वजह से पूरी दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ भी मृतका की स्कूटी को नशे में धुत कार वालों ने आगे से टक्कर मारी और फिर उसका शव 13 किलोमीटर तक घसीटते ले गए। इस हादसे में महिला की रूह कपा देने वाली मौत हो गई। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।